बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एकदम मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि हम सारी पढ़ाई जो अपनी है वो वर्चुअल क्लासेस से कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं और जो भी संसाधन है उनके माध्यम से कर पा रहे हैं। इसी क्रम में हमने कक्षा 11 का इतिहास पढ़ना शुरू किया था। नया पाठ्यक्रम जो 30% कम करके दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियोस दे रहे हैं। इस क्रम में हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी है आपको सिलेबस के बारे में और चैप्टर्स के बारे में। आज जो हमारा अगला चैप्टर है यानी 4th चैप्टर जो पढ़ने के क्रम वार में 4th चैप्टर है वो है हमारा 3 वार। इस पर इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराई है जिसमें इसकी ब्रीफ समरी मैंने बताई कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है और जो हमारे पाठ्यक्रम निर्माता हैं, निर्धारण करने वाले हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, तो आइए, हमने पहले इसकी ब्रीफ समरी देखी थी, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। तो जब चैप्टर में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमको मिलता है सामंतवाद। देखिएगा सामंतवाद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म जो है वही हिंदी इसका रूपांतर है सामंतवाद। होता क्या है, जैसे भूमि का टुकड़ा है, जमीन है, ये है, ये सभी भूमि के टुकड़े हैं। अब एक राजा है, ये राजा है, एक किंग है। अब ये किंग सब पर नियंत्रण तो नहीं रख सकता ना, सभी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं निर्वहन कर सकता। तो ये करता क्या है, इस क्षेत्र की भूमि वहां के किसी रसूखदार व्यक्ति को जो संपन्न है, जिसकी बात लोग मानते हैं, उसके हवाले कर देता है। ठीक, साथ ही साथ इसको कुछ और विशेषाधिकार दे देता है, जैसे सैनिक रखने की इजाजत, सामंतशाही सैनिक रखने की इजाजत, फिर न्याय करने की शक्ति। ठीक, ये कुछ चीजें, ये कुछ अधिकार जो है विशेषाधिकार वो शासक इनको ट्रांसफर कर देता है और ये हो जाते हैं इस पूरी भूमि के टुकड़े के मालिक। अब ये ओनर है, जिसको चाहे उसको रखे अपनी भूमि में, जिसको चाहे उसको निकाल दे। इन्होंने क्या किया, अपना यहां पर मकान बनाया, इसी मकान के क्षेत्र को कहते थे मेनर। ध्यान रखिएगा, जब हमसे पूछा जाएगा कि मेनर का क्या मतलब है, तो सामंत के मूल निवास और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता था वो मेनर कहलाता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऐसे 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 ये ठीक इन टुकड़ों में बची हुई भूमि को बांट दिया, कुछ भूमि अपने पास रखी और इस सब को लोगों को कर पर दे दी, टैक्स के बदले दे दिया कि आप एक निश्चित उत्पादन कीजिए, निश्चित कर लाइए, हमको दीजिए, बात खत्म, फिर अगले साल रिन्यूअल, फिर अगले साल खेती कीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी भूमि जब्त, ठीक, भूमि को जब्त कर लिया जाएगा। आप बताइए, जो फसल थी वो किसकी होगी, जो उसमें लगी फसल थोड़ी बहुत है वो इसकी हो जाएगी, सामंत की हो जाएगी, जिसको लॉर्ड कहा जाता था, लॉर्ड की हो जाएगी। ठीक, ये भूमि जब्त कर ली गई किसके द्वारा, जिसने दी थी, लॉर्ड ने दी थी, लॉर्ड ने जब्त कर ली वापस, इस पर लगी हुई फसल वो भी कर के नाम पर ले ली गई। क्या होगा यहाँ का व्यक्ति, किसान क्या होगा, किसान परेशान होगा, बेघर हो जाएगा, ठीक, बेघर हो जाएगा, भुखमरी का शिकार हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं उसके साथ आ जाएंगी। ठीक, किसके वजह से आ रही है, सामंत की वजह से आ रही है। सामंत किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, राजा के द्वारा। अब हमको यहाँ पर पढ़ना यही था कि सामंत क्या था, सामंत की व्यवस्था कैसी थी, आइए उसको हम लोग देखते हैं।
तो जिस दौर की बात को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दौर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौर में भूमि जो थी, जमीन जो थी, वह सबसे बड़ी माल्यन की चीज थी। जिसके पास जितने ज्यादा जमीन वह उतने ज्यादा शक्तिशाली, ये उस समय की स्थिति थी। भूमि का टुकड़ा जो है यही निर्धारित करता था कि आप कितने बड़े रसूखदार या कितने बड़ी पहुंच वाले व्यक्ति हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं सामंतवाद का परिचय। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत सामंतवाद के बारे में समझ में आ गया होगा कि सामंत का मतलब क्या है। सामंत का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे शासक द्वारा अपनी भूमि पर, अपनी राज्य क्षेत्र की भूमि पर नियुक्त कर दिया गया कि आप वहां की कृषि व्यवस्था को देखिए, किसानों की व्यवस्था को देखिए, उनसे कर प्राप्त कीजिए और निश्चित समय पर निश्चित कर मुझे उपलब्ध कराइए ताकि आप अपने हिसाब से मैनेज, ये सारी चीजें। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में, देखिए थोड़ी चीजें हमेशा यूरोप में हमसे पहले हुई है। जैसे जब हम भारत में मेडिवल इंडिया देखते हैं, मध्यकाल देखते हैं, यानी 712 के बाद से लेकर 1757 मुस्लिम प्लासी के युद्ध को ही माना जाता है कि मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड वहां से ओवर हो जाता है और उसके बाद में मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये जो दौर रहा है ये हमारे यहाँ मेडिवल का है, लेकिन 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कहते हैं EIC, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर को स्थापना हो जाती है और महारानी वहां से अनुमति दे देती है इन्हें एशिया के क्षेत्रों से व्यापार करने की एकाधिकार। तो क्या है, यहाँ पर 1600 ईस्वी में, यानी 17वीं शताब्दी के आरंभ होते ही आधुनिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है, मॉडर्न एज शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, सामुद्रिक यात्राएं शुरू हो जाती है 15वीं शताब्दी से ही, जो है विभिन्न साहसिक खोज यात्राएं की जाती है, अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाया जाता है, व्यापार के लिए विभिन्न क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया जाता है। तो ये सारी चीजें मॉडर्न टाइम की जो है, जो हमारे यहाँ मॉडर्न टाइम में होती है, वो वहां पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब हम मेडिवल में जी रहे थे तब वो मॉडर्न में पहुंच चुके थे और यही कारण था कि उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों को कहीं ना कहीं हम समझने में विफल रहे और देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। तो होता क्या है कि इस शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में आर्थिक, मैंने पहले बताया कर की पूरी व्यवस्था यही देख रहे हैं, आर्थिक कामा विधिक, विधिक क्या होता है, विधिक मतलब न्याय से संबंधित, कानूनी प्रक्रिया से संबंधित, कोई वाद विवाद हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी कोई किसी की चॉकलेट छीन के खा ले तो इसके विवाद का निपटारा जैसे मॉनिटर कर लेता है या क्लास में टीचर कर लेता है, ठीक इसी तरह का छोटा मोटा विवाद, तो किसी कोई किसी की हत्या कर दे तो उसका भी निपटारा तो नहीं हो सकता, उसके लिए जो दंड प्रावधान है भारतीय दंड संहिता जो है IPC है उसके अंतर्गत न्याय निर्णय होगा। लेकिन छोटे छोटे विवादों पर जो है अपने विवेक के हिसाब से, विवेक मतलब बुद्धि के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी था कि छोटे छोटे विवाद जो होते थे उनका न्याय सम्मत निर्णय विवेक के विवेकाधीन होता था, सामंत के, सामंत इस पर निर्णय अपना दे सकता था, आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता था। कामा राजनीतिक और पॉलिटिकल एंड सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया
जाता था। सिंपल था, एक लाइन में समझिए। मध्यकालीन यूरोप में यानी जब मिडवल टाइम चल रहा था यूरोप का, तो मध्यकालीन यूरोप में आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी कर संबंधी व्यवस्था, न्याय संबंधी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाएं और सामाजिक संबंध, इन सभी की व्याख्या के बीच जो संबंध था उसके वर्णन के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। यानी हम सामंतवाद या सामंत शब्द का जब प्रयोग करते थे तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिल जाता था, एक चीज समझ में आ जाती थी कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, न्यायिक व्यवस्था क्या होगी, कानूनी व्यवस्था क्या होगी, सामाजिक व्यवस्था क्या होगी और आर्थिक स्थिति कैसी होगी। होता नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी कोई आपसे बता दे कि एक देश है और उस देश में एक राजा है, तो जैसे आपको पता चलता है एक राजा है तो आप समझ जाते हैं कि वहां पे चुनाव नहीं होता होगा, राजा के हिसाब से सारा काम होता होगा, राजा जो कह देता होगा वही माना जाता होगा, ये सारी चीजें ऐसे समझ में आ जाती है, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ठीक इन्हीं संबंधों की व्याख्या के लिए एक शब्द सामंतवाद का प्रयोग किया जाता था, सामंत का प्रयोग किया जाता था, और जैसे बताया जाता था कि वहां पर सामंतवादी व्यवस्था है लोग समझ जाते थे कि वहां की स्थिति क्या होगी। ठीक, समझ रहे हैं? जैसे होता है कि घर में कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं तो आने के बाद घर में फिर जैसे बच्चे ही हों, अपने ही ग्रुप के हों, तो कुछ बचता नहीं है, सब खत्म रहता है। तो जैसे फोन करिए, हेलो हाँ जो है घर पे फला आए हैं, तो मार्केट से जो आ रहा होगा वो समझ जाता है कि क्या क्या लेके आना। जैसे हम कहते नहीं है कि फोन किया किसी को, फला फूफा जी आए हुए हैं, तो लोग जो सामने वाला होता है वो समझ जाता है कि मार्केट में आए हैं, फूफा जी आ गए हैं घर पे, इसका मतलब हमें अपनी तैयारी से जाना है, मतलब एक कॉन्सेप्ट अपने आप बना होता है। तो ठीक उसी तरह जैसे हम कहते थे कि सामंतवादी व्यवस्था है, वैसे यहाँ पर समझ जाते थे कि वो सिस्टम कैसे चल रहा होगा। मध्यकालीन यूरोप में आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे प्रयोग होता था लोग समझ जाते थे कि स्थिति कहाँ थी। ठीक, ये सामंतवाद शब्द है, ये बना है फ्यूडलिज्म से। फ्यूडलिज्म, ठीक, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के एक शब्द से बना है जिसका नाम है फ्यूड। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक, पूरा विवाद भूमि का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा, ये इसका अर्थ होता है फ्यूड का, और इसी टुकड़े का मालिक जो है वो कहलाया फ्यूडल या फिर सामंत। ये जो शब्द है इन सभी के साथ साथ एक तरह से, एक प्रकार से ये इन सभी व्यवस्थाओं को दर्शाता है, और उसके साथ साथ एक प्रकार से उत्पादन, कैसा उत्पादन, कृषि उत्पादन को भी इंगित करता है। यानी ये सारी व्यवस्थाएं तो समझ में आती हैं, इसके साथ ही साथ जो सबसे जरूरी और जुड़ी हुई चीज है वो है कि यह कृषि उत्पादन के बारे में भी संकेत देता है। यानी जहां पर सामंतवादी व्यवस्था है वहां पर कृषक कैसे होंगे, कृषि कैसे होती होगी, वो सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इसके बाद मैंने पहले ही बताया विधिक यानी न्याय संबंधी, कानून संबंधी जो भी छोटे स्तर पर विवाद होते थे उनको निपटाने का काम सामंत करते थे। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट हमने अपने आप में डेवलप किया अपने दिमाग में कि सामंत का मतलब क्या है। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सामंतवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तब आप वहां पर यही बताएंगे कि सामंत का मतलब वह व्यक्ति जो राजा के द्वारा अपनी राज्य क्षेत्र की भूमि में नियुक्त किया गया हो और उस भूमि पर सारी व्यवस्थाएं कर संबंधी, कृषि संबंधी उसके द्वारा संचालित की जाती हो, जिसके लिए उसके पास अपनी खुद की सेना भी होती है, सामंती सेना जिसे कहते थे, एक केंद्रीय सेना दूसरी सामंती सेना, तो सामंती सेना होती थी, न्याय संबंधी अधिकार होते थे, किसी भी व्यक्ति को उसकी भूमि से बेदखल करने का अधिकार उसके पास होता था, ये सारी चीजें सामंत के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस और इंग्लैंड, इन दोनों का परिचय प्राप्त कर लेना जरूरी है।
तो ये जो फ्रांस है, देखिएगा फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है फ्रांस एंड इंग्लैंड, तो रोमन साम्राज्य से पहले हमने पढ़ा, ये जो फ्रांस है रोमन साम्राज्य में एक प्रांत था, उस प्रांत का नाम था गॉल, गॉल ठीक, उस प्रांत का नाम था गॉल। कृषि के लिए इसकी भूमि बड़ी उपयुक्त थी, कृषि के लिए अच्छी भूमि थी, यानी यह कृषि बहुत बेहतर ढंग से हो सकती थी। जर्मनी की जनजाति, जर्मनी जनजाति ने इस पर अधिकार कर लिया, ठीक अधिकार कर लिया, यानी एक ट्राइब है, जर्मन ट्राइब है, उसने इस पर अधिकार कर लिया, उस ट्राइब का नाम था फ्रैंक, जनजाति कौन थी, नाम था फ्रैंक, फ्रैंक ट्राइब ने इस पर अधिकार कर लिया और अपना नाम दे दिया इस क्षेत्र को। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है दीमक, दीमक इसका नाम है, इसने बहराइच पर अधिकार कर लिया और उसके बाद इसने नाम बदल के बहराइच का रख दिया दीमकपुर, ठीक हो गया, तो क्या होगा बहराइच जो है वो दीमकपुर हो जाएगा। ठीक उसी तरह जर्मन जनजाति जिसका नाम था फ्रैंक जनजाति, बहुत ही फ्रैंक थी उनको लग रहा है, और तो इसने अपने नाम के साथ इसको जोड़ दिया, इसका नाम अपने नाम से जोड़ लिया और इसके बाद ये दाल का जो क्षेत्र था वो बन गया फ्रांस, ठीक अब इसका नाम हो गया फ्रांस। इस तरह से फ्रांस का उदय हुआ। तो अच्छा अगर हम देखें तो कृषि के मामले में फ्रांस की स्थिति क्या रही होगी, बेहतर रही होगी, क्योंकि भाई जमीन की गुणवत्ता थोड़े ना गायब हो जाएगी, जमीन तो वही रहेगी, उत्पादन तो वही रहेगा, वो कोई भी कब्जा कर ले भाई, यह जमीन है वो चाहे अकबर के कब्जे में रही हो, चाहे बाबर के कब्जे में रही हो और चाहे अंग्रेजों के कब्जे में रही हो, उत्पादन तो उसका एक ही जैसा रहा ना। तो ठीक वही होगा कि फ्रांस की जो भूमि है वो कृषि उत्पादों के लिए बेहतर है। इसमें ये जो जनजाति थी उसका ईसाई से, यानी ईसाई धर्म से उसके अच्छे संबंध थे, और यही कारण था कि पूरा फ्रांस ईसाइयत के संपर्क में आया और ईसाइयत की व्यवस्था से इसका बेहतर संबंध बनते चले गए, ठीक ये कारण था यहाँ, और यही वजह है कि फ्रांस ईसाइयत के अधीन हो गया, ईसाई धर्म, ईसाइयत के धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वालों के कब्जे में हो गया और उनके अधीन हो गया, और चर्च की अधीनता को इस क्षेत्र ने स्वीकार कर लिया, ये यहाँ की स्थिति है। इसके बाद ये तो हो गई फ्रांस की कहानी, ऐसे फ्रांस बना। इसके बाद इंग्लैंड का एक शासक हुआ, ठीक शासक इंग्लैंड का एक क्षेत्र था जिसका नाम था नॉर्मंडी, ठीक नॉर्मंडी नाम था उस क्षेत्र का, यहां का एक शासक था, उसने क्या किया 11वीं सदी में फ्रांस को जीत लिया, यानी फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी की बात है कि फ्रांस अभी जो जनजातियों वाली व्यवस्था होगी वो 11वीं शताब्दी के और पहले की बात है, 9वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 11वीं शताब्दी में फ्रांस किसके अधीन हो गया, इंग्लैंड के अधीन हो चुका है, ठीक नॉर्मंडी का एक राजकुमार था जिसने क्षेत्र को जीत लिया। अब इसके बाद हम लोग
आएंगे सीधे सीधे अपने तीन वर्ग वाले कॉन्सेप्ट पे। ये हमारे टॉपिक का एक हमारा जो चैप्टर था उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, सामंतवाद और इंग्लैंड व फ्रांस। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारा तीन वर्ग। ऐसे आएगा, लिखा है हमारा तीन वर्ग। अब हम अपने मूल बिंदु पर चल रहे हैं, तीन वर्ग पर। तीन वर्ग में एक फ्रांसीसी पादरी का कथन है। तीन वर्ग की व्यवस्था को समझने के लिए एक ये लाइन बहुत जरूरी है। कथन है कि जो क्षेत्र है यूरोप का उसमें अधिकांश देशों में कार्य के आधार पर लोगों को तीन समूहों में बांटा गया है। तीन समूह कार्य के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर, कार्य सॉरी कर्म और कार्य में अंतर होता है। एक कर्मास होते हैं जो स्पिरिचुअल पावर के लिए होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, गॉड के लिए होता है, वो चीजें नहीं है। यहाँ पर कर्म यानी कार्य जो आप करते हैं रेगुलर डेली, जो आपका वर्क है, उसके अकॉर्डिंग तीन ग्रुपों में बांटा गया है, तीन समूहों में बांटा गया है। पहला वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, ठीक, प्रार्थना करने वाला, यानी प्रार्थना कौन करेगा, धार्मिक होगा यानी पादरी वर्ग, ठीक। पादरी जो है चर्च का, उसका कथन है कि कार्य के आधार पर तीन समूहों में बांटा गया है। पहला वर्ग प्रार्थना करने वाला, दूसरा वर्ग है लड़ने वाला। ये लड़ता है किससे, उस क्षेत्र के शत्रुओं से लड़ाई लड़ने वाला। इसके बाद जो आता है तीसरा, वह है कार्य करने वाला, और वह भी कहां पर, खेतों में, खेतों में काम करने वाला अगला वर्ग आता है। इस तरह से उसने बताया कि तीन वर्गों में बटा हुआ है, यानी प्रथम पादरी वर्ग, द्वितीय ये जो लड़ने वाले हैं, शासन करने वाले हैं, भूमि संबंधी कार्यों को देखने वाले हैं, यानी जिसे हम लॉर्ड या सामंत कहते हैं, और इसके बाद कार्य करने वाले यानी कृषक, सीधे सीधे पादरी, सामंत और कृषक, ये तीन वर्ग हमारे सामने आते हैं। हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर में जो टॉपिक शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है दूसरे वर्ग से। पहले हम तीसरे वर्ग पे या पहले वर्ग पे नहीं जा रहे हैं, हमें अपनी बुक में जो मिला है वो पहले दूसरा वर्ग मिला है, यानी जो सेकंड क्लास है, जो अभिजात वर्ग है या फिर लार्ड है या फिर सामंत है, कुछ भी कहिए इनको, ये जो है ये सबसे पहले पढ़ना है हमको, सबसे ये समझना है इनकी स्थिति को, और फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्लास के बाद वापस, तब हमको मिलता है पादरी वर्ग, और फिर हम आते हैं पहले जो तीसरा पायदान है, तीसरा वर्ग जो है कृषक समुदाय का, उस पे। फिर उसके बाद हमने देखा ही है कि भिक्षु वर्ग जो है भिक्षुओं को पढ़ेंगे, उसके साथ चौथे वर्ग का उदय होता है नगर में रहने वाली जनता के बारे में, तो उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो सेकेंड पार्ट था वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम आने वाले चैप्टर में, आने वाले वीडियो में जो अभिजात वर्ग है यानी द्वितीय वर्ग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो तब तक नहीं, आप इसको समझिए, देखिए, बढ़िया तसल्ली के साथ समझिए, कोई भी असुविधा हो तो उसको पूछिए, पूछ के कंफर्म कीजिए। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जो व्यवस्थाएं हमारे आपके बीच में माध्यम बन रही हैं, उनका सहारा लेते हुए बेहतर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर भविष्य में जो भी संभावनाएं बनेंगी उसके साथ हम लोग अपना आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। थैंक यू। इसको देखिए, समझिए।